Kösöcsön! हम क्या चाहते हैं? इंसान के आगे झुकना पड़ेगा, इंसान के आगे। शर्मा अंगनवाड़ी वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन संबंधित भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री। आज का जी जो हमारा धरना प्रदर्शन है ये एचआर पॉलिसी के अगेंस्ट है। ये 30 नवंबर 2022 को एलजी गवर्नमेंट ने एक एचआर पॉलिसी निकाली, उसमें हमारी बहनों को 60 साल में रिटायर कर रहे हैं। तो हम इनके आगे कब से मेमोरेंडम और डिमांड्स रख रहे हैं कि हमारी जो रिटायरमेंट पॉलिसी है वो उसको अच्छे से फ्रेम करें और हमें पेंशन स्कीम जो है वो लागू करें। लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, रातों रात ही एचआर पॉलिसी बनाते हैं और 60 साल की जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहन को थ्रेट करते हैं कि हम आपको रिलीव करने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो नेबरिंग स्टेट है वो अच्छा ऑनरेरियम भी दे रहे हैं और जाते हुए जो सम्मान राशि जो है रिटायरमेंट बेनिफिट देते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है हमें खाली हाथ हमारी हेल्पर वर्कर बहनों को घर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनें जो हैं वो बहुत रोष में हैं इस समय। वो कह रही हैं कि अगर हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ तो हम इससे भी उग्र प्रदर्शन के रूप में सामने आएंगी, क्योंकि उनकी यही मांग है। हमारी इतनी बड़ी मांग भी नहीं है, एक छोटी सी डिमांड है कि अगर आप हमें रिटायर करते हो तो हमारी पेंशन स्कीम लागू की जाए और आंगनवाड़ी वर्कर को रिटायरमेंट पर 5 लाख और हेल्पर को 3 लाख रुपए दिए जाए। हम मोदी गवर्नमेंट से यही बार बार अपील करते आ रहे हैं कि हमारी जो एचआर पॉलिसी है इसको जो है वो वापस लिया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम इससे भी उग्र रूप में प्रदर्शन करेंगे।